इधर बीजेपी 5 राज्यों की रणनीति पर मंथन कर रही है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि वो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को और कम करे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल से वैट घटाया, उसने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर दबाव बना दिया है। अब पंजाब में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। इसे विपक्ष का दबाव माने, बीजेपी का प्रभाव माने या चुनाव का तनाव माने, माने चाहे कुछ भी, खबर तो यही है कि अब पंजाब के लोगों को भी कुछ सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। पंजाब सरकार ने आज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट ऐसी 10 रुपये कट कर रहे हैं। आज ही रात तो 10 रुपये 5 रुपये डीजल दे रेट आज तो ही रात तो ऐसे ही कट कर देंगे। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही थी, अकाली दल सड़क पर उतर कर सियासी धमाल कर रही थी, उसके जवाब की पहली किश्त की शुरुआत पंजाब से हो गई है। तो अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष शासित बाकी राज्य भी वैट घटाकर लोगों को कुछ राहत देंगे, क्योंकि तमाम विपक्षी दल पहले ही केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15-15 रुपए और कम करें, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आएं। इस पूरी सियासी लड़ाई की शुरुआत दिवाली यानी 4 नवंबर से एक दिन पहले हुई, जब अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। तुरंत ही 24 घंटे से 30 घंटे के भीतर बीजेपी शासित 10 राज्यों ने, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्यों ने और गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से से 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की कटौती का ऐलान कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में दाम घटे तो पार्टी को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमले का बड़ा हथियार मिल गया। बीजेपी ने सवाल किया कि लगातार महंगाई का शोर मचाने वाली पार्टियां पेट्रोल डीजल पर टैक्स क्यों नहीं घटा रही हैं? निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। इन हमलों के बीच भले ही कांग्रेस शासित पंजाब ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला कम नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, पहले हर दिन पेट्रोल डीजल महंगा कर 30-40 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने और फिर 5 रुपए कम करके थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। गैस सिलेंडर 1000 के पार है, सरसों तेल 220 के पार है, सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर है, जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो राजनीति, घटे तो राजनीति, और राजनीति के इस मार में आम जनता लाचार है। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जीत को दोहराने की चुनौती है। बाकी राज्यों की अपेक्षा बीजेपी की जंग भी यहां जबरदस्त होने वाली है। वहीं यूपी के बीजेपी नेताओं को लगता है कि मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और पहले से ज्यादा तादाद में खिलेगा। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। आइए महसूस करिए बयानों के ताप को, उत्तर प्रदेश के सियासी सफर पर ले चलते हैं आपको और एक एक बयान से समझिए कि कैसे देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रोड मैप तैयार हो रहा है।
एक एक बयान से जानिए कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कैसे कैसे सियासी रंग ले रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में यहाँ हर बयान में हमला है, वार है, पलटवार है, तकरार है और सियासत सबसे जोरदार है। यही वजह है कि जिस वक्त दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठक कर बीजेपी यूपी समेत 5 राज्यों का चुनावी खाका तैयार कर रही थी, ठीक उसी समय अंबेडकर नगर की रैली में अखिलेश लैपटॉप और बुलडोजर वाला फॉर्मूला बताकर चुनावी फायदा उठाने में जुटे थे। इस दिन नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। बुलडोजर के बहाने अखिलेश हर रैली में योगी के उन हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जिसे यूपी के सीएम समाजवादी पार्टी की पहचान बताते हैं, जिसके सहारे अखिलेश राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया, गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। मोदी के ऐसे ही आक्रामक अंदाज से यूपी में बीजेपी का जोश शाही है, साथ ही भरोसा मोदी के नाम का भी है। विश्वास कुछ ऐसा है कि बीजेपी को यूपी में अपने खिलाफ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं, और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है, और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम किया। चैलेंज किससे आपको यूपी में? हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जनता के आशीर्वाद से वंचित हो चुके हैं, अभी उनको जनता का आशीर्वाद निकट भविष्य में प्राप्त नहीं होगा। पर आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए, अभी तो लड़ाई में कोई नहीं, अभी कोई है ही नहीं लड़ाई में नहीं। लेकिन विपक्ष बीजेपी के इस भरोसे को तोड़ने के लिए हमले का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। सियासत इस कदर हावी है कि एक एजेंसी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया तो विपक्ष ने सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं किस एजेंसी को कैसे सेट करे। वो तो कहो ये नहीं कह दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चार्ज भी थोड़े दिन में मोदी जी संभाल लेंगे। ये एक मैनेज किया हुआ एजेंसी की रिपोर्ट है, जांच इस बात की होनी चाहिए किसने मैनेज किया इस एजेंसी को, और उसमें क्या क्या उपयोग किया गया, पैसा लगा या साधन लगे या उसके बदले देश का क्या दिया है, जांच इसकी होनी चाहिए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन हमलों का और तीखा होना तय है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीक पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर तो लोग खासकर मशीनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान हैं। ओरेकल और वर्कप्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और यूएई में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहां तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं। एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं। लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो। सुबह के 7:30 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि चेन्नई से है। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से स्थिति इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। कई इलाकों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है और सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से चेन्नई में कई इलाके डूब गए हैं, घरों में पानी घुस आया है। हालात 2015 जैसे हो गए हैं, जब चेन्नई पानी पानी हो गई थी। चेन्नई में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। आज और कल स्कूल और कॉलेज भी बंद है। ये है चेन्नई मेरी जान, हर तरफ पानी ही पानी है। समझ नहीं आ रहा कि शहर में पानी है या फिर पानी में शहर। सड़कों का पता नहीं, हर तरफ सैलाब। गाड़ियां डूब डूब कर जा रही हैं। लोग घुटनों तक पानी में चल रहे हैं। कई इलाकों में इतना पानी भरा है कि बोट चलानी पड़ रही है। व्यासारपदी सबवे में इतना पानी भरा है कि बच्चों के लिए ये स्विमिंग पूल बन गया है। बच्चे इस आफत की घड़ी में भी मस्ती कर रहे हैं। 2015 के बाद चेन्नई में उत्तर पूर्व मॉनसून ने कहर बरपाया है। इस बार 43% ज्यादा बारिश हुई है। शनिवार रात से 10 घंटे में 14 सेंटीमीटर बरसात हो गई। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो चेन्नई समंदर बन चुका था। चेन्नई के निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। एगमोर, डाउटन, के एन गार्डन, पदलम, ओटेरी लेफ्ट ब्रिज, पड़ी ब्रिज, सत्यनगर शेल्टर, बाबा नगर, GKM कॉलोनी और जवाहर नगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूंदी लेक में इतना पानी भर गया कि 4000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। इसी तरह चेम्बारा बक्कम लेक से भी 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने घुटने भर पानी में खड़े होकर हालात का जायजा लिया। परी फ्लाईओवर इलाके में जाकर लोगों से उनकी परेशानी सुनी और राहत का सामान बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी CM स्टालिन को फोन कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண உதவிகள் வழங்குவதற்கான உத்தரவினை நான் பிறப்பித்திருக்கிறேன். சென்னை में ही 260 घर तबाह हो गए, 160 रिलीफ कैंप खोले गए हैं। रविवार को ही 50,000 से ज्यादा खाने के पैकेट बांटे गए। NDRF की 4 टीमों को शहर में तैनात किया गया है ताकि वे इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। चेन्नई वालों की परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने आज और कल स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। प्रमोद के साथ अक्षयानाथ, ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई, आज तक।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एनसीबी लगातार सबूतों और पूरे केस को परत दर परत उधेड़ने में लगी है। इसी कड़ी में एनसीबी ने रविवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट और अजीत कुमार नाम के आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों आरोपी तो एनसीबी दफ्तर पहुंचे पर आर्य नहीं आए। गिरफ्तारी, डील, गवाह और सियासी आरोपों की गुत्थी में उलझे क्रूज ड्रग्स की नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। मामले की कमान संभालने वाली एनसीबी की नई टीम अब केस से जुड़े आरोपियों से फिर से पूछताछ में जुट गई है, ताकि ड्रग्स के इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक कड़ियों को जोड़कर पूरा सच सामने लाया जा सके। एनसीबी की नई टीम ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो सबसे पहले इसकी जद में आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिन्हें रविवार सुबह ही एनसीबी की ओर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया। रविवार देर शाम तक एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान का इंतजार होता रहा, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। जब इस बारे में एनसीबी के अधिकारी संजय सिंह से सवाल हुआ तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आर्यन खान क्यों नहीं आया आज, तो क्या कोई रीजन बताया गया? आर्यन खान से पूछे सर, कोई जवाब नहीं आया क्या? आर्यन खान के साथ ही एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अजीत कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों एनसीबी दफ्तर में पेश भी हुए और दोनों से ही लंबी पूछताछ हुई। अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने बताया कि एनसीबी की नई टीम ने उनके बेटे का बयान दर्ज किया है। बातचीत हो रही है अंदर, इनको करना है इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेटमेंट है, जो दिल्ली से टीम आई है उनको करना है, इसके हिसाब से स्टेटमेंट ले रहे हैं। स्टेटमेंट इज बीन रिकॉर्डेड, दे कॉल्ड एंड नोटिस टू एवरीबॉडी, बट वन बाय वन हु इज कमिंग, दे टेकिंग द स्टेटमेंट्स। आर्यन वाज नॉट देयर, आई डोंट नो व्हेन इज ही कमिंग, एज ऑफ नाउ टू हैव बीन, आई मीन टू ऑफ देम हैव गिविंग अ स्टेटमेंट्स। बताया जा रहा है कि आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो एनसीबी दफ्तर नहीं आ सके। माना जा रहा है कि आज या कल में वो एनसीबी के दफ्तर आएंगे और अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। एनसीबी की एसआईटी जो अब फिलहाल आर्यन खान और तमाम दूसरे मामलों पर जांच पड़ताल कर रही है, उन्होंने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को रविवार सवेरे समन देते हुए कहा कि रविवार को ही वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाए। अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट तो पहुंच गए लेकिन आर्यन खान नहीं पहुंचे। दरअसल बताया जा रहा है कि आर्यन खान की तबीयत थोड़ी नासाज है, हल्का बुखार है, इसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए रविवार को नहीं पहुंच पाए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक वो जरूर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंच सकते हैं। इस बीच एनसीबी की विजिलेंस टीम ने ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर सैल को भी समन भेजा है और उसे आज दोपहर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रभाकर सैल वही गवाह है जिसने आर्यन केस में करोड़ों की डील का साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले भी विजिलेंस टीम प्रभाकर सैल को समन भेज चुकी है, लेकिन तब वो पेश नहीं हुआ था। ड्रग्स केस की जांच फिर से तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि नए सिरे से जांच में ड्रग्स केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। मुंबई से विद्या और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी बिगुल बजा दिया है। रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। मीटिंग में वैसे तो देश दुनिया के कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई, लेकिन बैठक का मुख्य फोकस रहा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति बनाना। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। कोरोना, 100 करोड़ वैक्सीनेशन, राम मंदिर, मुफ्त राशन, कश्मीर का विकास वगैरह वगैरह। लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा क्लियर था, पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव।
राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर है, इसीलिए आगामी चुनावों से जुड़ा एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया, क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं, जरूर बुलाएंगे। कहते हैं उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, इसीलिए बीजेपी कोई चांस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस बार लड़ाई टक्कर की रहने वाली है। अखिलेश पूरे जोश से यूपी की चुनावी नब्ज को दबाने में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने भी एक तरफा अभियान छेड़ते हुए लेडीज फर्स्ट का नारा दे दिया है। उधर मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाला करिश्मा दोहराने की हसरत पाले बैठी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी के पास विरोधियों के खिलाफ राम मंदिर नाम का सबसे बड़ा औजार है। आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का टॉप राजनीतिक एजेंडा भी यूपी का चुनाव ही था, जिसमें बीजेपी का टारगेट सीएम योगी पहले ही सेट करके बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वैसे तो बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन आगामी चुनावों को लेकर सबकी नजरें और उम्मीदें दोनों ही पीएम मोदी पर टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के काम को सराहा और चुनावों में पार्टी को जीत के मंत्र भी दिए। लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी, इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं और मंत्रियों ने पीएम मोदी को बड़े ध्यान से और बड़े चाव से सुना, उनकी एक एक बात को नोट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी से बड़ा नेता फिलहाल कोई नहीं है और मोदी की लोकप्रियता ही 5 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन की राह आसान करेगी। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं का उत्साह साफ दिख रहा था। वैसे भी जब देश का सबसे बड़ा नेता उनके बीच मौजूद हो तो जोश बढ़ ही जाता है।
बीजेपी इसी जोश के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहेगी। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन कितने पानी में है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी शासित राज्यों सरकारों के कामकाज के प्रसार और प्रचार की और ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से संगठन मजबूत होगा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि तजुर्बे और अनुभवों से ज्यादा मिलता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।